डिप्टी सीएम अरुण साव लोर में विधानसभा के अंतर्गत ग्राम फुलवारी एफ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 17 नवंबर को जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ, उसके दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लगातार योजनाएं बन रही है। डिप्टी सीएम श्री साव ने यह भी कहा कि जहां तक पिछली सरकार का विषय है, न तो उन्हें गांव के विकास की चिंता थी और न ही शहर के विकास की चिंता थी, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर कर्ज में डुबाया है, लेकिन उसका भी रास्ता निकाल कर हम छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ 17 नवंबर को, उसके दूसरे दिन से ही पार्टी हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और लगातार योजनाएं बन रही है। योजना बन के लोकसभा चुनाव जीतने के दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए पार्टी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत कर चुकी है। अभी सरकार बनी है और निश्चित रूप से ये सही है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोया है, लेकिन उस पर भी हम रास्ता निकालकर छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जहाँ तक पिछली सरकार का विषय है, वो तो प्रदेश न गांव के विकास की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी, अपना और अपने परिवार के विकास के लिए वो काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में उन्होंने काम किया और विकास का पूरा काम प्रदेश में ठप था। उस काम को, गांव का विकास हो, शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम करेगी।